रात 1:50, जयपुर के करणी विहार थाना इलाके में गणपति अपार्टमेंट के गेट पर एक लग्जरी कार आकर रुकी। कार से एक शख्स उतरा, चेहरे पर मास्क था और आंखों पर चश्मा। गेट पर ताला नहीं लगा था। ये शख्स दबे पांव गेट खोलकर अंदर दाखिल हुआ। हाव भाव और कपड़े देखकर लगा नहीं कि ये शख्स यहाँ चोरी के इरादे से आया है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी मंशा जाहिर हो गई। माना जा रहा है कि चोर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने पहुंचा था, लेकिन यहाँ आते ही जब उसकी नजर सीसीटीवी कैमरों के जाल पर पड़ी तो उसने अपना इरादा बदल डाला। बिल्डिंग के पार्किंग एरिया में कई कैमरे लगे थे और चोर को ये एहसास हो गया था कि इनकी नजर से बच पाना मुश्किल होगा। अब इसे पकड़े जाने का डर कहा जाए या चोर का फ्रस्ट्रेशन कि उसने अपना प्लान बदलते हुए सारे सीसीटीवी कैमरे ही चुराने की ठान ली। देखिए उसने किस तरह एक एक करके पार्किंग एरिया में लगे सारे कैमरे तोड़ लिए। सबसे पहले एक स्कूटी पर चढ़कर कैमरा तोड़ा, फिर दूसरा कैमरा कुछ इस तरह झटक लिया। दूसरा कैमरा तोड़ने का वीडियो जिस कैमरे में रिकॉर्ड हुआ उसे भी चोर ले गया, यानी तीसरा कैमरा। अब चोर अगले कैमरे की तलाश में था। जल्द ही उसे वो भी नजर आ गया और चौथा कैमरा भी उसका शिकार बना। और अब बारी थी मेन गेट पर लगे कैमरे की। जाते जाते चोर उसे भी तोड़ ले गया। कुल मिलाकर सिर्फ 6 मिनट के अंदर चोर ने सारे कैमरे निकाल लिए और यहां से फरार हो गया। चोरी की ये वारदात सिलसिलेवार सीसीटीवी कैमरों में कैद होती चली गई जब तक कि कैमरे काम करते रहे। चोर का पूरा हुलिया, चाल ढाल, सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। हालांकि ये वीडियो बनाए जाने तक पुलिस की जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब तक उसकी पहचान नहीं हो सकी है। जिस कार से चोर आया था वो भी कैमरे में साफ नजर आ रही है। पड़ोस की बिल्डिंगों में लगे सीसीटीवी कैमरों से कार का नंबर मिलने में ज्यादा परेशानी नहीं आनी चाहिए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन चोर ने जिस तरह सीसीटीवी कैमरे चुराए उससे ये तो साफ है कि अपराधियों के मन में कानून का कोई खौफ नहीं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।